हेलो दोस्तों, मैं हूं निहाल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीआर एकेडमी के इस ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग को लेकर। क्या बात करेंगे? यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग को लेकर शेड्यूल कब आएगा, शेड्यूल क्या है, इस वीडियो में बताऊंगा। शेड्यूल का आपको कैसे डाउनलोड करना है, क्या शेड्यूल को आपको कैसे डाउनलोड करना है, शेड्यूल आ गया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टूडेंट, हम बताते हैं आपको काउंसलिंग की शेड्यूल कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, कितने राउंड होगी, पूरी नॉलेज देने वाला इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, गूगल क्रोम ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च कर लेना है google.com। क्या सर्च करना है? google.com को यहाँ सर्च कर लेना। और आपको जब यहाँ आएगा, आपको यहाँ सर्च करना है JEE CUP। क्या सर्च करना है? JEE CUP। क्या सर्च कर लेना है? जी कब सर्च करके और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। जब आप ऐसे यहाँ सर्च कर लोगे स्टूडेंट, जब आप यहाँ सर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट शो होकर आएगा। ये आपको वेबसाइट यहाँ दिख रहा होगा, क्या है ये वेबसाइट आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये वेबसाइट आपको यहाँ शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टूडेंट, इस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, तो हम कैसे डाउनलोड करना है वो आपको बताने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ जब आप क्लिक कर दोगे ना, तो आपको ये कहाँ आ जाओगे, आप लोग जीकॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। किस पर आ जाओगे? जीकॉप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्लिक करना है यहाँ पर शेड्यूल वाले ऑप्शन पर। कहाँ क्लिक करना है स्टूडेंट? शेड्यूल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं। शेड्यूल वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे ना दोस्त, जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोग देखो, यहाँ आपको सामने शो होगा। क्या हो रहा है आपको सामने, यहाँ शो हो रहा है क्या, टाइटल क्या है? टाइटल है हमारा काउंसलिंग शेड्यूल 2022। ये क्या हमारा व्यू एंड डाउनलोड, क्या है व्यू एंड डाउनलोड। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम इसे डाउनलोड करते हैं। स्टूडेंट, आपको यहाँ व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना है। आप लोग देखो, मैंने डाउनलोड किया। अब मैं करता हूँ इसे ओपन। क्या किया मैंने दोस्त, ओपन कर लिया। आपके सामने मैं इसे डाउनलोड किया हूँ, ये कोई फर्जी नहीं है। क्या है ये? कोई फर्जी नहीं है, मैंने इसे आपके सामने डाउनलोड किया हूँ। आपको मैं यहाँ दिखा दूँ दोस्त, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये आपका 2022 का अपडेटेड है, ये दो है आपका ओरिजिनल है। और एक से थर्ड राउंड तक आके नीचे मैं बताऊँगा, फिर उसके बाद कितने राउंड तक हुआ ये भी मैं बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आपको आगे बताता हूँ मैं। देखो इसमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी। फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग की देखो, फर्स्ट राउंड में है, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट। क्या करना है, 1 तारीख से कितने तारीख होगा, फर्स्ट राउंड का होगा 1 तारीख से 9 तारीख तक, कितने तारीख तक, सॉरी 7 तारीख से 9 तारीख होगा। और इसमें क्या होगा, फर्स्ट राउंड में केवल यूपी के ही स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसमें जो यूपी स्टूडेंट होंगे वही बस इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। क्या जब थर्ड राउंड आएगा उसके बाद, अब बताऊंगा मैं अगले बार, आगे मैं बताने वाला हूँ कि बिहार वाले कब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड में केवल यूपी वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे मैं बताता हूँ आपको, आगे देखो आगे लिखा क्या है स्टूडेंट। सेकेंड नंबर, यहाँ सीरियल नंबर सेकेंड पर देखो, फर्स्ट राउंड च्वाइस फील्ड लॉ एंड लॉकिंग अनलिमिटेड च्वाइस मेनी वी फील्ड। क्या है, आपको अनलिमिटेड जितना भी आपको को क्या करना है, आपको को कॉलेज चुनना है, उतनी कॉलेज आप यहाँ पर चुन सकते हो। नेक्स्ट थर्ड सीरियल नंबर पर क्या लिखा है, थर्ड पर लिखा है आपको फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। जो का सीट अलॉटमेंट होगा ना दोस्त, वो सीट अलॉटमेंट होगा आपको 10 तारीख 9 महीना 2022 को, यानी 10 सितंबर आपको सीट अलॉटमेंट होगा। क्या होगा, सीट आपको क्या होगा, अलॉट होगा, यानी 7 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, 7 तारीख से 9 तारीख तक काउंसलिंग होगा, और 10 तारीख को आपको क्या होगा, सीट अलॉट हो जाएगा। अब मैं आगे बताता हूँ आपको, आगे देखो आपको क्या होगा, आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा फ्रीजिंग एंड फ्लोट। यहाँ देखो आपको लिखा है फ्रीज एंड फ्लोट, लिखा है क्या लिखा है दोस्त, यहाँ लिखा है फ्रीज एंड फ्लोट, यहाँ लिखा है फ्रीज एंड फ्लोट। मैं आगे आपको बताऊँगा फ्रीज और फ्लोट क्या होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ से आपको क्या कराना है, फ्रीज कराओगे या फ्लोट कराओगे, बट मैं आपको जब आपको एडमिशन लेना रहता तो आप लोग फ्रीज कराना पड़ता है। तो आप लोग फ्रीज करा लोगे, यहाँ क्या लिखा है, ऑनलाइन फ्रीजिंग फ्लोट ऑप्शन सिलेक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीजिंग कैंडिडेट। मैं आपको बता दूंगा कि जब आप फ्रीज कराओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, फ्रीज कराओगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब, आपको सीट अलर्ट होगा 10 तारीख को, 11 तारीख से 13 तारीख शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
बता दूँ स्टूडेंट, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हो तो आपको अगले राउंड में मौका मिलेगा, यानी फर्स्ट राउंड आपसे वंचित हो जाओगे और फर्स्ट राउंड तक आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे, सेकेंड राउंड में चले जाओगे और तब आपको सेकेंड राउंड में कराना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको जो टाइम दिया था, जो डेट दिया था, उसी के अंदर आपको कराना है। स्टूडेंट आगे मैं आपको बता दूँ, आगे आप देख सकते हो, आगे पूरी है, आगे आप नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो। और आप फ्लोट कराते हो स्टूडेंट, जब आप फ्लोट कराओगे तो आपको 3000 रुपये पेमेंट करके आपको सिक्योरिटी चार्ज देनी पड़ती है, तो आपको सिक्योरिटी चार्ज 3000 रुपये भरना पड़ता है जब आप फ्लोट कराओगे। तो फ्रिज कराओगे तो आपको नहीं भरनी पड़ती है वो 3000 पेमेंट, ठीक है। मैं आगे अगली वीडियो में बता दूंगा फ्रिज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। ये रहा फर्स्ट राउंड, तो आपको ऐसे काउंसलिंग करानी पड़ती है। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, नीचे नॉलेज दूँ आपको थोड़ा सा, मैं आपको शेड्यूल पूरा दिखा दूँ। तो शेड्यूल में यही बताया गया है, शेड्यूल कितने राउंड तक, मैं आपको बता दूँ, ये आपको 8 राउंड तक देखने को मिलेगा। कितने राउंड तक होगा स्टूडेंट, ये होगा 8 राउंड तक। क्या राउंड तक होगा, 8 राउंड तक ये होगा। होगा कब तक, ये होगा कब तक स्टूडेंट, ये होने वाला है आपका 25 तारीख तक। कब तक, 25/10/22 तक, या 25/10/22, यानी 25 सितंबर तक ये काउंसलिंग आपके होने वाले हैं। तो आई होप कि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नेक्स्ट वीडियो फ्रिज या फ्लोट पर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर आप जानना चाहते हैं फ्रिज या फ्लोट क्या है तो वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगा। आई होप कि हमारे वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।